हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एगलेस चॉकलेट पुडिंग है और बहुत ही झटपट सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हमने ओरियो बिस्किट से बनाया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत ही स्पेशल फ्लेवर्स हैं जो कि सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और झटपट बनने वाली चॉकलेट पुडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस न्यू ईयर पे आप ये ज़रूर से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी न्यू ईयर का गिव अवे चल रहा है चैनल पे, तो उसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बहुत ही एक्साइटिंग प्राइस जीतिए। तो गिव अवे के सारी डिटेल्स और इंस्टाग्राम का मेरा लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है, चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टी डिलीशियस चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए पहले मैं थोड़े से स्पाइसेस को मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मिक्सी जार लिया है और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक ऑरेंज ली है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। इसका मैं छिलका इसके अंदर डाल रही हूँ। ऑरेंज का जो छिलका होता है इसके अंदर बहुत ही अच्छा सिट्रसी फ्लेवर होता है, तो इसके अंदर आज हम ये ऑरेंज का छिलका डाल रहे हैं। तो हमें सिर्फ ऑरेंज का ऑरेंज पार्ट वाला छिलका डालना है, वाइट पार्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद ये ऑरेंज का जूस भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मैं हाथ से ही निचोड़ के इसके अंदर डाल दूँगी ताकि बीज बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाएँ। तो ये जो हमारी आज चॉकलेट पुडिंग बनने वाली है, इसके अंदर ऑरेंज का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चॉकलेट और ऑरेंज का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाता है हमारा बिस्किट वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैं ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी और बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 छोटे वाले पैक इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वनीला फ्लेवर वाला ओरियो बिस्किट है और इसकी क्रीम भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। और कोई फ्लेवर वाला ओरियो बिस्किट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर। तो ये मैंने सारे के सारे जो बिस्किट हैं ये इसके अंदर डाल दिए हैं और इनके अंदर बहुत ही अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आता है। लेकिन थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसके अंदर मैं कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं 2 छोटे चम्मच के करीब कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसके अंदर 1 चुटकी के करीब डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर। दालचीनी के पाउडर से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और इसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर। यहाँ पे मैं सौंठ वाले पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 चुटकी के करीब जिंजर पाउडर डाल रही हूँ। और इसके बाद हम दूध डाल देंगे, तो मैंने 1/2 कटोरी के करीब दूध अभी डाल दिया है इसके अंदर और इसको अभी हम मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। इसके अंदर जो ऑरेंज के हमने छिलके डाले थे उनको भी अच्छे से पीस लिया है फ्रेंड्स। इसके अंदर जो मैंने फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया है, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आई होप आपको पसंद आएगी ये फ्लेवर्स इसके अंदर, बहुत ही अच्छा सा मैजिकल फील आ जाता है इसके अंदर। तो ये जैसे जिंजर ब्रेड होती है या फिर जैसे क्रिसमस केक होता है उसके जैसा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा चॉकलेट वाला मिक्स तो तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम क्रीम लेंगे, तो यहाँ पे 1 कटोरी करीब मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी, उसको अच्छे से मैंने व्हिप कर लिया है और बिल्कुल हार्ड पीक आने तक मैंने इस तरीके से व्हिप कर लिया है। तो अच्छे से ये व्हिप हो जानी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर हम ये चॉकलेट वाला हमारा जो मिक्स है ये डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बस अब हम फोल्ड कर लेंगे और अब हमारी ये चॉकलेट पुडिंग बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मैंने स्पाइसेस का यूज़ किया है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल भी चॉकलेट पुडिंग बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने जो बिस्किट का इस्तेमाल किया है वो ऑलरेडी बहुत मीठे थे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर को ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हमारा चॉकलेट पुडिंग बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से मैं छोटे छोटे कप ले रही हूँ, इसके अंदर मैं इनको सर्व करूँगी। तो ये बहुत ही इजी है बनाना फ्रेंड्स। इसके अंदर जो हमने बिस्किट का इस्तेमाल किया है वो चॉकलेट फ्लेवर वाले हैं, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको छोटे छोटे कप्स में डाल के सर्व करेंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है ये पुडिंग। आप ज़रूर से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको चार कप्स में अलग अलग डाल दिया है। छोटे कप मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और बड़े कप मैंने बड़ों के लिए रखे हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए एक एक चम्मच इसके अंदर रम डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा विंटर का सीज़न है और काफ़ी बड़े लोग हैं जो इस तरीके की पुडिंग्स खाना पसंद करते हैं। तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप इसके अंदर अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और मैंने बहुत ही कम इसके अंदर रम का इस्तेमाल किया है, तो उससे जो है बस फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा आएगा। हमको बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आधा आधा चम्मच इसके अंदर डाला है। इसके बॉर्डर्स को भी हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट मिक्स बनाया है। मैंने दो डेरी मिल्क चॉकलेट को इस तरीके से पिघाल लिया है और उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम भी डाल दी है। तो इस तरीके से हमारा ये चॉकलेट वाला मिक्स तैयार हो गया है और इसको हम ऊपर से डाल देंगे और इसको फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से मैं चारों के अंदर डाल रही हूँ और इस तरीके से कप को हम हिलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फैल जाएगा और सेट हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही इजीली ये फैल जाता है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इस तरीके से सुंदर भी लगेगा। और थोड़े से सिल्वर बॉल्स लगा रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स 2 से 3 घंटे के अंदर सेट हो जाता है। आप इसको अभी सर्दियां हैं तो इंस्टेंटली भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये चॉकलेट पुडिंग है। इसके अंदर हमने जो फ्लेवर्स का यूज़ किया है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में ये बेस्ट पार्टी डिज़र्ट है, तो ज़रूर से ज़रूर बर्थडे पार्टीज़ पे, एनिवर्सरी पे, न्यू ईयर पे बना के ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अभी गिव अवे चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गिव अवे के सारे डिटेल्स मैंने फर्स्ट कमेंट में दिए हैं, चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सकें। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करना। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरे वीडियोस हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।